नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़। और ये आप जरा दिखाइए, ये है महामृत्युंजय रोड, काल भैरव चौराहा। उधर दिखाइए आप, काल भैरव चौराहा, और यहाँ पर है काल भैरव मंदिर। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बीजेपी ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाया, हिंदुत्व की काशी विश्वनाथ मंदिर की तमाम बातें प्रचारित प्रसारित की गई। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा करके लड़ रही है, और यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं नीलकंठ तिवारी, उन्होंने हाथ जोड़ करके अपील करते हुए कल एक वीडियो भी पोस्ट किया कि आप मोदी जी को देख करके वोट दीजिए। तो यहाँ पर लड़ाई मोदी जी वर्सेस सपा हो रही है। तो यहाँ पर आखिरकार क्या है, सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह लोग जो है पहली वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन एक अजीब नज़ारा आप देखिए, अजीब नज़ारा आप ये देखिए। ये है समाजवादी पार्टी का बूथ, समाजवादी पार्टी का बूथ आप देखिए, और लोगों की संख्या आप देखिए, लोगों का हुजूम आप देखिए। और यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा साइड हो जाइए, यहाँ पर आप देखिए, ये है बीजेपी का बूथ, ये समाजवादी पार्टी का बूथ है, और यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी। इधर जरा आप दिखाइए, थोड़ा थोड़ा इधर दिखाइए, ये है 389 शहर दक्षिण विधानसभा सीट वाराणसी, और 1 2 3 4 5 6। क्या लग रहा है आपको, आपके बूथ पर लोग तो नजर नहीं आ रहे हैं? हमारे बूथ पे सारे लोग हैं, आपको नजर नहीं आ रहे तो इधर घुमा के देख लीजिए, इधर घुमा के दिखाइए। देखिए ये कौन सी तरफ घुमाया, आप बताओ उधर ही घुमा दे। ये वोटर नहीं है। अरे तो बूथ पर कार्यकर्ता भी नहीं है, कार्यकर्ता इतने, आप घुमा के देख लीजिए। हकीकत सही नहीं है, आपकी जमीनी रिपोर्टिंग सही नहीं है, तो बाद में क्यों नहीं दिख रहा? आप संख्या देख के माहौल बना रहे ना, हम तो आदमी देख रहे हैं। बिल्कुल, आप बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आखा है कि हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता वोट निकालने के लिए बाहर घूमते हैं। इनके कार्यकर्ता जितना आप देख रहे हैं मजमा, यदि इसमें 10% इनके यहाँ के मतदाता हो, मोदी जी का गढ़ हुआ यहाँ पर, इतना कार्यकर्ता कैसे? आप इस बूथ को नोट कर लीजिए, 92-93 टोपी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। हमारी बात सुनिए, बोलने दीजिए इनको, 92-93 बूथ हम लोगों का है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे नीलकंठ तिवारी है, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, वो कह रहे थे कि मोदी जी को यहाँ पर उनको लेकर भी, क्या कहेंगे आप? मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, आप बताइए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 8 मतों का कर रही है। फर्जी वीडियो है, ये 100% है, वो फर्जी वीडियो आप जानते ही होंगे, फर्जी अर्जी कितने चल रहे, सपा प्रत्याशियों के भी चल रहे फर्जी वीडियो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी का गढ़ है ये, यहाँ पर मंदिर का पहला गेट है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यहाँ पर निर्माण हुआ, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद योगी आदित्यनाथ वो कई बार यहाँ पर आए, मामला क्या लग रहा है? मामला ये लग रहा है कि यूपी में योगी की सरकार बनेगी। अच्छा इधर 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 बताइए, ये बताइए, मामला एक तरफा है, मामला बराबर का है, कैसा ईमानदारी की? बिल्कुल एक तरफा है जी, बिल्कुल एक तरफा है। आप बताइए मामला, आप बताइए, ईमानदारी वाली राय जानना चाहिए। आपको क्या लगता है, 40 साल से जो यहाँ पे भाजपा का गढ़ है, क्या सपा वाले ले सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? जो कार्य हुआ है, संख्या पे मत जाइए, वो संख्या, वो कॉलेज की संख्या, राजनीति में संख्या परसेप्शन, आज 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 वोटिंग मांग रहती है, आज वोटिंग माने रखती है। देखिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा इधर लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुनील मिश्रा। क्या देख रहे हैं आप? विजय देख रहे हैं। किसका विजय देख रहे हैं? योगी जी की विजय देख रहे हैं पूरे प्रदेश में। आपके बूथ पर आदमी थोड़ा इधर होकर दिखा दीजिए, अब ये कह रहे थे कि दूर दूसरी तरफ नहीं दिखा रहे आप, आदमी नहीं है बूथ पर? बूथ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, निर्वाचन आयोग ने घोषित किया हुआ है कि 4 लोगों से ज्यादा एक बूथ पर नहीं बैठना है, हम गुंडे नहीं है। अच्छा, हमने मत देने का, बाकी बूथों पर भी हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है, क्यों, यहाँ क्यों सन्नाटा है? हमें जहाँ भी रखना है 4 रखना है, बाकी बूथ पर तो है आदमी, मैंने देखा है, वो हट जाएंगे, वो निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया हुआ है ना, हमें नहीं निर्णय लेना। चलिए, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और तस्वीरों के जरिए जो भी यहाँ पर है वो आप तक पहुँच रहा है, आप खुद देखिए, ये काल भैरव चौराहा है, महामृत्युंजय रोड है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद आए, और उन्होंने जो है, बताइए, पान की दुकान है, बनारस का पान फेमस है, क्या लग रहा है इधर? इस पर सपा सरकार है, सपा का लग रहा है। ये बताइए बाबूजी, ये देखिए आपके बगल में, बूथ के बगल में है, ये कह रहे सपा लग रहा है, उनका जाट भी पूछ लीजिए ना, वोटर है कि नहीं है?
वोट अभी फिलहाल वोटर भी नहीं है, वोटर नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, ये हमारे भाग क्यों रहे? मैं भाग नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये निर्वाचन आयोग का क्या है, हम लोग संस्कारी हैं, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी। भागे नहीं। कितनी देर भागे? नहीं भागे नहीं। अभी आपको कितनी देर बुलाए? 5 मिनट बोल चुके ना, 1 मिनट बोलेंगे। छोटे में सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्देश कि 4 लोग बैठे हैं, ये निर्वाचन का। हम लोग संस्कारी, 94 लोग बैठना है, भीड़ नहीं लगाना है, हम लोग भीड़ नहीं लगा। तो देखिए, आदर्शवादी संस्कारीवादी ये सारी बातें कही जा रही है। वोट डाल रहे हैं आप लोग? वोट डाल रहे हैं? अच्छा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा वोटर से पूछने दीजिए। वोटर, वोट डाला आपने? हाँ भैया, क्या देख रहे हैं? हम तो देश हित देख रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है, सबका साथ सबका विकास देख रहे हैं। बहु बेटियों को जो सोच करती थी, एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। छोटा छोटा लोगों पूछे ना, बहुत जो बेटियों का सम्मान कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। है, एक लाइन में। अरे पागल है, क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या देख रहे हैं सरकार बनी लोग और क्या? किसका? सपा की। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? घाटे की टक्कर है, जो है बराबरी की कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं? क्या सर, क्या देख रहे हैं इस बार? देख रहा है कि मोदी जी जीत रहे हैं। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं? वोटों का ध्रुवीकरण है, इसमें कांटे की लड़ाई है, कोई एक वर्ग जो निकाल सकता है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? जी किशन दीक्षित जी जो हमारे संत हैं, वही उम्मीदवार, जो प्रत्याशी, जो सपा की तरफ से उम्मीदवार हैं। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, जो सपा से उम्मीदवार हैं किशन दीक्षित जी महाराज, जो महामृत्युंजय के संत हैं, वो सत्कारी भी है और संस्कारी भी हैं। अच्छा, विजय उन्हीं की होनी है जो निश्चित है। आप कह रहे हैं किशन? ठीक है, और सपा सपा सपा। अच्छा, आप बताइए। सपा सपा किशन, सपा सपा किशन दीक्षित। आप वोट डालने जा रहे हैं? डाल के आ गए? बीजेपी नीलकंठ तिवारी। अच्छा, ठीक है, आप बताइए वोट डाल दिए? डालने जा रहे हैं? डाल चुके। क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अखिलेश भैया को हमको जिताना है। अच्छा, ठीक है, क्या वोट डाल दिया? नहीं, अभी डालना है। क्या देख रहे हैं आप लोग? अखिलेश भैया को जिताना है, जिताना है। आप डाला वोट? डाला वोट? डाला आपने? अभी नहीं। क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या देखेंगे, क्या हो रहा है, जैसा जिसको परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के क्या कह रहे हैं? शहर दक्षिणी में परिवर्तन के लिए। अच्छा जी, किशन दीक्षित? अभी नहीं डाला है। क्या देख रहे हैं आप लोग? परिवर्तन हो रहा है भैया, दक्षिणी में भी और यूपी में भी। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं कि सपा थोड़ा ठीक है इधर से, और सपा थोड़ा ठीक है इधर से। सर दक्षिणी से जो ठीक है, आपसे बात हो गया, आपसे हो गया। हाँ बोलिए। सपा सपा, आप सपा की सरकार आ रही है, आप क्या देख रहे हैं? सपा सपा, आप क्या देख रहे हैं? सपा सपा सपा, आप क्या सपा सपा सपा, सिर्फ सपा, केवल किशन दीक्षित। सपा सपा किशन दीक्षित, ये तो मोदी जी का क्षेत्र है पूरा, अरे क्षेत्र है ये, क्योंकि ये बहुत मोदी जी का शासन सब लोग देख लिया, इसलिए अब सपा का शासन देख। ठीक है, आप बिल्कुल हटके खड़े हैं, बताइए सब लोग को सुन के आ रहे हैं दूर से, क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं भैया सपा की सरकार आ रही है। आप क्या देख रहे हैं? सपा की सरकार, सपा बोले दो, सपा की सरकार बनना चाहिए। क्यों क्यों बनना चाहिए? 227 सर, इतना नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं, महंगाई पर ध्यान दे रहे हैं, और हमारे बहन बेटियों के लिए सुरक्षा दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बन गया, इससे मेरे कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा। और इससे बड़ा कार्य और कोई है भी नहीं काशी में, और काशी के लिए जो योगी और मोदी ने जो किया वो सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। एक लाइन में बस, बस क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग तो देख ही रहे हैं सब भाई, भाजपा तो है ही है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? युवाओं का उत्साह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सर दक्षिणी से सफाया होने जा रहा है। ठीक है बहन जी, वोट डालने के लिए जा रही है क्या? मंदिर जा रही है? मंदिर से होकर आ रहे हैं। वोट डाल दिया है? डालने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग? विकास देख रहे हैं, मोदी योगी का। अच्छा, सपा का। अच्छा, तो इस बार किसको देखेंगे? तीनों सपा को, सपा का, सपा को आप कह रहे हैं? अरे रुको यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत 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 गलत। हाँ बोलो, वोट डाला आपने? नहीं सर, अभी नहीं डाला। क्या देख रहे हैं सर? सपा जिताएंगे, सपा 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 जी। देखिए यहाँ पर जो है, वोट डाला आपने? नहीं, हम बाहर से आए। अच्छा, बाहर से आए हैं, ठीक है, यहाँ से वोटर से हम बात कर रहे हैं, वोटर से थोड़ा हम बात कर रहे हैं। आप भी बाहर से हैं, मंदिर वंदिर घूमने के लिए आए? ठीक है, आओ एक मिनट ठहरिए। वोट डाल दिया आपने? हाँ। तो देखिए तमाम लोगों से जो है वो यहाँ पर घूम करके बात करने की कोशिश की है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की कितनी लहर है, अखिलेश की कितनी लहर है, लोग क्या सोच रहे हैं, मंदिर के बाहर
और खास करके जो हिंदू वोटर जो है वो उसके मन में क्या है, लोगों का हुजूम, और उससे पहले बूथ पर किसके कितने कार्यकर्ता है, किसके बूथ पर कितना सन्नाटा है, लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है, तमाम चीज़ें खोद करके निकालने की कोशिश की है ताकि आप तक एक सच्चाई भरी तस्वीर जो है वो पेश की जा सके। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह से तमाम अलग अलग विधानसभाओं में जा करके लोगों के मुद्दे क्या हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है वो आपको दिखाएंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।